हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, आज की शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीपीएससी की पहली लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। खुले आयोग के द्वार मिलने वालों का अंबार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की निष्पक्ष पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए निरंतर बदलाव हो रहा है। लापरवाह व नियम विरुद्ध काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी को चिन्हित किया जाना है। यूपीपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार समय सारी प्रक्रिया पर नज़र रखे हैं। उन्होंने हर बुधवार को प्रतियोगी छात्रों व आमजन से मिलने का निर्णय किया है, जिसमें वह समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अध्यक्ष की इस पहल पर उनसे मिलने वालों का तांता लग गया है। अब तक करीब 300 से अधिक आवेदन मिले हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। प्रतियोगी छात्र बुधवार को डॉक्टर प्रभात से मिलकर उन्हें भ्रष्ट अधिकारियों का ब्यौरा भी सौंपेंगे। प्रतियोगियों ने यूपीपीएससी में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया है। इसमें दर्जन भर से अधिक अरबों के मालिक मिले, जिन्होंने खुद को बजाय पत्नी बेटी बेटा व रिश्तेदारों के नाम से संपत्ति खरीदी है। और एसएससी की दरोगा भर्ती परीक्षा 22 जुलाई से कर्मचारी चयन होगा। एसएससी दिल्ली पुलिस एपीएफ ओएम सहायक उप निरीक्षक परीक्षा 2018 का आयोजन करा रहा है। इसमें फिजिकल एड्योरेंस टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी का आयोजन किया जाना है। तो लेटेस्ट न्यूज़ थी यूपीपीएससी और एसएससी कर्मचारी चयन आयोग को लेकर। और 29 से असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू। एहसास की सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है। विज्ञापन संख्या 46/47 के असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू 29 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। विज्ञापन संख्या 46 से वाणिज्य विषय के 331 अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे, जबकि विज्ञापन संख्या 47 से गृह विज्ञान, कृषि सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, कृषि शास्त्रीय विज्ञान, मानव विज्ञान, गणित, कृषि प्रसार, कृषि रसायन, उद्यानिक सैन्य विज्ञान और संस्कृत पशुपालन दुग्ध विज्ञान के 481 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पदों में विज्ञापन संख्या 46/47 के पदों के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। और अभ्यर्थियों ने किया पीएनपी कार्यालय पर घेराव। टीजीटी 2016 अवशेष पैनल में चयनित सभी अभ्यर्थियों ने कॉलेजों में आवंटन जल्द करे। तो टीजीटी को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज है। डीएलएड 2017 के पूर्व शिक्षकों ने सोमवार को परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। परीक्षकों ने अब तक तृतीय सेमेस्टर का परिणाम न आने व बैक पेपर परीक्षा भी न होने से गुस्सा जताया। उनका कहना था कि इस तरह के वे यूपी टेट की प्रस्तावित परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। डीएलएड 2017 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा जून में हुई थी, उसमें करीब 2.25 लाख प्रशिक्षक शामिल हुए थे। उनका रिजल्ट अभी लंबित है। इसी बीच परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय यूपी टेट 2019 कराने की तैयारी में जुटा है। यदि तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आए बिना डीटी की अधिसूचना जारी हुई तो 2.25 लाख प्रशिक्षक अनार्य हो जाएंगे। उनका कहना है कि 12 अक्टूबर को चौथे सेमेस्टर की परीक्षा पूरी होनी है, इसलिए यूपी टेट इसके बाद कराया जाए। ऐसे ही डीएलएड 2017 बैक वे सेमेस्टर बैक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह फिर अगस्त के पहले सप्ताह में होनी है। तो पीएनपी को लेकर लेटेस्ट न्यूज है। टीजीटी 2013 को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज है। डीएलएड 2017 और भर्ती परीक्षाओं के परिणाम इसी महीने होंगे जारी। प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसी महीने की आखिरी हफ्ते से भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की शुरुआत कर देगा। आयोग ने कुछ परीक्षाओं का परिणाम इसी महीने तो कुछ अगले महीने घोषित करने की योजना बनाई है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि सम्मिलित तकनीकी सहायक और सहायक अनुदेशक सामान्य चयन 2016 परीक्षा का अंतिम परिणाम इसी महीने के आखिरी सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, जबकि नलकूप चालक सामान्य चयन 2016 परीक्षा के परिणाम पत्रों का सत्यापन एक हफ्ते बाद शुरू होगा। सम्मिलित प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ सामान्य चयन 2016 के पत्रों को इसी महीने आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ था आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर था, ठीक है। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राज्य विश्वविद्यालय में 18 अतिथि प्रवक्ताओं की होगी भर्ती। तो यहाँ पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया
हाँ, राज्य विश्वविद्यालय में 18 तिथि अधिवक्ताओं की भर्ती की जाएगी। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने विज्ञापन संख्या जारी कर दी है, तो इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। और कुछ खास नहीं है बीकॉम में, आज